नवरात्रि का पावन त्यौहार हो और डांडिया की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। हर वर्ष नवरात्रि पर डांडिया जरूर होता है, महिलाएं खासकर इसके लिए उत्साहित रहती हैं। सांवरिया इवेंट्स द्वारा एक विशेष कार्यक्रम डांडिया फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। 23 अक्टूबर को ये लखनऊ में आयोजित होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेहा सांवरिया इवेंट से, उनसे बात करेंगे। मैम, आपका ये डांडिया फेस्टिवल कब होगा और किस जगह पे होगा? मैम, 23rd ऑफ अक्टूबर, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, 4 PM ऑनवर्ड का टाइम है हमारा जी। आपने इस डांडिया फेस्टिवल को करने की क्यों सोची, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, हम लोग ने बस ये सोचा कि हम चाहते हैं कि हाउसवाइफ्स हमारी खुल के आगे आए, चीज़ें अच्छी हो। और जैसे कोरोना में सबने सर्वाइव तो किया ही है, लेकिन हाउसवाइफ ने सबसे ज़्यादा सर्वाइव किया है, क्योंकि उनका काम तो कभी बंद ही नहीं होता। लेकिन फेस्टिवल के नाते वो थोड़ा सा निकलेंगी, थोड़ा सी पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि उनको वहाँ पर वो माहौल मिलेगा जो माहौल हर जगह नहीं होता है। जैसे हाउसवाइफ कहीं भी पब में नहीं जा सकती, क्लब में नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, यहाँ पर सांवरिया इवेंट में डांडिया है, कल्चरल है, तो वो आ सकती हैं, फैमिली से आ सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं। उनकी भी इच्छाएं हैं, जो जैसे कि हम लोग भी पहले हाउसवाइफ थे, तो हम लोग भी सोचते थे कि कब कैसे निकलने को मिले। तो मौके हैं ये हाउसवाइफ के लिए सजने संवरने का, तैयार होकर के पार्टिसिपेट करने का, और चीज़ों को मतलब खुश होने का, जिसे कह सकते हैं नवरात्र हमारा एक उल्लास भरा, बहुत अच्छा ही हिंदू का हमारे सेलिब्रेशन होता है। तो कुल मिला के बस हमारा यही कहना था कि हम चाहते हैं बढ़ चढ़ के लोग पार्टिसिपेट करें, जिसमें मोस्टली हाउसवाइफ्स हैं, लेडीज़ हैं, जो जिनकी सीमा लिमिट में होती है, लेकिन करना चाहिए, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो मेरा हिसाब से है। और बाकी सांवरिया इवेंट हमेशा नया और अच्छा ही लेकर के आता है और आ रहा है दिन पर दिन, और हम कुछ ऐसे चीज़ें लेकर के आ रहे हैं जो मतलब एक सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेबल होगी और हमारे कल्चर को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी। मैम, आपसे अगर पर्सनली पूछूं तो आप डांडिया को कितना पसंद करती हैं? एक्चुअली मैं बोलूं तो आज से 2-3 साल पहले हम भी टिकट ढूंढते थे कहीं से मिल जाए, मुझे भी जाना है, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तब इतने क्रेज़ नहीं थे डांडिया के, तो कहीं जाकर के एक दो फंक्शन होते थे तो वहाँ पर हम लोग भी इन्वॉल्व होते थे, जाते थे, डांस करते थे। लेकिन आज तो लखनऊ में जैसे देखा जाए कि मुझे लगता है कि 90 तरीके के डांडिया हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे उन 90 तरीकों में हमने जो तैयारी करी है, हमारी तैयारी सबसे अलग और अव्वल नंबर की ही होगी, कि हम लोग ने बहुत मेहनत करी है, रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम रात एक सब एक बराबर करके मेहनत कर रहे हैं, जिसमें हमारी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे बच्चे छोटे हैं, बेटी मेरी 14 इयर्स की है, लेकिन ये सब मुझे ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं जैसे लग रहा है ये मेरे टीचर्स हैं, मुझसे कह रहे हैं अब आगे बढ़ो, अब आगे निकलो। तो फैमिली के सपोर्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हाउसवाइफ्स थे, आज यहाँ हैं। हमारा सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे भी होता चला जा रहा है, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो स्पॉन्सर के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, सब अच्छे और अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे साक्षात बाबा की कृपा है कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होने जा हो रही है और हम लोग आगे प्रोग्रेस पे ही हैं। सांवरिया इवेंट से श्वेता गुलाटी जी भी हैं, उनसे बात करें। मैम, ये डांडिया फेस्टिवल अन्य डांडिया फेस्टिवल से कैसे अलग होने वाला है? ये इसलिए अलग होने वाला है क्योंकि ये हम ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कल्चर को मिक्स कर रहे हैं। जैसे कि गरबा वैसे तो नॉर्मली नवरात्रों में माँ दुर्गा का प्रतीक है, पर इसमें हम जो चीज़ें लेकर के आ रहे हैं वो ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कल्चर को मिक्स करके आएगी, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसमें हमारे जो कलाकार आ रहे हैं लखनऊ के बेस्ट, वो आपको नवरात्रि सॉन्ग पे एक ऐसा डीजे प्ले करेंगे जिसमें आपको लगेगा कि आप वेस्टर्न डांस कर रहे हैं कि आप गरबा पे डांस कर रहे हैं। तो लोग बहुत अच्छे से थिरकने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है लखनऊ को। लखनऊ हमेशा याद करेगा कि नेक्स्ट सांवरिया इवेंट कब आए डांडिया लेकर के और हम लोग ज्वाइन करें। मैम, कौन कौन से स्पेशल गेस्ट इस डांडिया फेस्टिवल में होने वाले हैं? इसमें हमारे जो डीजे झलक आ रही हैं, जो कि एक बहुत कम एज की है, जो बहुत नाम कमाया है जिन्होंने लखनऊ के अंदर, वो हम उनको लेकर के आ रहे हैं। डीजे रेपटेक आ रहे हैं, वो भी बहुत फेमस हो चुके हैं लखनऊ के अंदर, हर पार्टी में हर इवेंट में उनको सबसे पहले बुलाया जाता है। डीजे ब्रोकोड हैं, जिनका प्लेइंग स्टाइल बहुत ही यूनिक है, वो बहुत अच्छे से प्ले करेंगे, वो आप सब लोग आइएगा, आप सब लोग भी ऑफिशियली इन्वाइटेड हैं वहाँ पर, तो आप लोग देखिएगा वो किस तरह से कर रहे हैं। बाकी हमारे जो पॉलिटिशियंस गेस्ट आ रहे हैं वो हमारे अपर्णा मैम जी हैं, बृजेश पाठक सर जी हैं और उनकी वाइफ हैं, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है आने के लिए, तो होप करते हैं कि वो लोग आए हमारे इवेंट में। और हमारे उम्मीद एनजीओ के सर हैं जो कि बहुत सेवा करते हैं, मातृ छाया है, बच्चों का रैन बसेरा है,
उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि वो भी आए, तो उम्मीद करते हैं कि वो भी आएंगे। मैम, टिकट्स और पासेस के विषय में बता दीजिए, कैसे लोगों को ये अवेलेबल होगा? टिकट पासेस जो है वो आपको BMS पे भी मिल जाएगी, बुक माई शो पे भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी टिकट्स मिल जाएंगी, जैसे कि मेरी पार्टनर है नेहा जायसवाल, उनके पे भी मिल जाएगा और मेरे कॉन्टैक्ट पे भी कॉन्टैक्ट करने पे मिल जाएगा। बाकी हमारे पासेस मेरा पोशाक स्टूडियो है, डिज़ाइनर स्टूडियो है, मैं एक बिजनेस वूमन भी हूँ, तो वहाँ पर बुटीक से भी आप ले सकते हो। और हमारा इंदिरा नगर में कलेवा चौराहे पे ड्रीम्स के नाम से इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है, आप वहाँ से भी पासेस ले सकते हो, और हम लोग रेसिडेंट्स हैं शालीमार के, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं। थैंक यू। हमने बात करी सावरिया इवेंट्स के श्वेता जी से और नेहा जी से, दोनों ने बताया कि हमारा डांडिया फेस्टिवल सबसे अलग होने वाला है, नामी गिरामी DJ और नामी गिरामी डांसर इसमें शामिल होंगे। 23 अक्टूबर को यह डांडिया फेस्टिवल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित किया गया, काफ़ी विशिष्ट अतिथि पॉलिटिशियन और बड़े लोग इसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि महिलाएं निकल कर आगे आएं, उनको इस नवरात्रि पर्व पर कुछ विशेष करने को मिले और उनको कुछ इंजॉयमेंट मिले। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि TV लखनऊ।